धनंजय सिंह कब छोड़ के भागे जौनपुर, हमको बता दीजिए। धनंजय सिंह किस लालच में जो है जौनपुर को कभी छोड़े हों, या किसी लालच में जो जौनपुर के जनता के अरमान को दबाए हों। तो देखो भैया, हम हर पहलू पर, प्रमोद जी, हम बहुत एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। हम पूरे प्रदेश में इंडिया अलायंस का प्रचार करेंगे, लेकिन आज धनंजय सिंह जेल में हैं और उनकी पत्नी अकेली तनहा एक महिला होकर के इस क्रूर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ लड़ रही है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इवन जो आपके व्यूअर हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं और वो और आप मिल करके धनंजय सिंह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी वाराणसी में है और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो लगातार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जौनपुर पहुंचे थे और आपका एक बयान सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप धनंजय सिंह की पत्नी को चुनाव जिताने के लिए मैदान में आए हैं। जी, निश्चित रूप से। और श्री कला सिंह धनंजय सिंह जी की पत्नी हैं, जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष, और ऐन चुनाव के वक्त अगर किसी भी दल का, इवन भारतीय जनता पार्टी का भी, अगर कोई बागी, कोई क्रांतिकारी या जनता के बीच में सबसे ज़्यादा पकड़ रखने वाला कोई नेता जेल में डाल दिया जाएगा, उसको चुनाव लड़ने से रोकने की प्रयास की जाएगी, उसका दमन किया जाएगा, तो मैं बनारस वाले मिश्रा जी बतौर एक नागरिक मैं उसका साथ दूंगा, उसके साथ जाके रहूंगा और उसको जिताने का काम। आप कह रहे थे सभी सीटों पर जो है मैं सपा के साथ हूं, लेकिन जौनपुर की एक ऐसी सीट है जिस पे आप बसपा के साथ हैं। हाँ, एक बेटी का सम्मान का मामला है, एक बहू के सुहाग का मामला है, और जौनपुर के जनता की आवाज़ का मामला है। और कोई भी डिसीजन मैं बड़ा हवा हवाई नहीं लेता हूँ। मैंने देखा है, मैं पूर्व सांसद भी रहे धनंजय सिंह, पूर्व विधायक भी रहे, उनके पिताजी भी पूर्व विधायक, उनकी पत्नी भी इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि जौनपुर की जनता के बीच में धनंजय सिंह की क्या ज़रूरत है और श्री कला सिंह जी की क्या ज़रूरत है। ये बाहरी लोग जो जौनपुर को अपनी बाप की पपौती समझ रहे हैं, उनको एक कड़ी टक्कर देना है, उनको एक कड़ी चुनौती देना है। इसलिए बाहरी बनाम अंदरूनी, जौनपुर बनाम बाहरी की जो लड़ाई है, उसमें हम जौनपुर के साथ रहेंगे, क्योंकि देखिए बनारस और जौनपुर एक बड़ा भाई और छोटे भाई का संबंध रखता है। और घर पर जब आफत आवे और घर पर जब बाहरी लोग कब्जा करने की नीति से आएंगे, तो निसंदेह बनारस वाले मिश्रा जी श्री कला सिंह जी को। लेकिन कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो भी तेजी बाजार के मूल निवासी हैं, जौनपुर के मूल निवासी हैं। तेजी बाजार के हों चाहे ऊंची बाजार के हों, कृपा शंकर सिंह जी, जब जौनपुर की जनता का सवाल उठाना था, जब जौनपुर की जनता की आवाज़ बननी थी, जब जौनपुर के जो है मिजाज को समझना था, जौनपुर को सम्मान दिलाना था, तब तो मोदी जी की तरह झोला बांध करके निकल लिए बम्बई, मनई मजूरी कर करके खूब बड़ा आदमी बनते 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 खूब बड़ा आदमी बन गए। और अब जब राजनीति में मलाई खाने की बारी आई, तब उनको जौनपुर की याद आई। धनंजय सिंह कब छोड़ के भागे जौनपुर, हमको बता दीजिए। धनंजय सिंह किस लालच में जो है जौनपुर को कभी छोड़े हों, या किसी लालच में जो जौनपुर के जनता के अरमान को दबाए हों। तो देखो भैया, हम हर पहलू पर, प्रमोद जी, हम बहुत एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। हम पूरे प्रदेश में इंडिया अलायंस का प्रचार करेंगे, लेकिन आज धनंजय सिंह जेल में हैं और उनकी पत्नी अकेली तनहा एक महिला होकर के इस क्रूर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ लड़ रही है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इवन जो आपके व्यूअर हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं और वो और आप मिल करके धनंजय सिंह को जो मोदी जी 400 पार सीट का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 400 पार, तो जौनपुर वाली एक सीट या बसपा को दिला देंगे क्या? नहीं, एक बात हम बताएं, मोदी जी दिमाग से अब हल्के हो चुके हैं। मोदी जी भाई, अब बीमार कब हो जाएंगे इसकी गारंटी आप बताइए? आप इतने अच्छे खासे हैं,
भगवान ना करेगा शाम को जाते जाते बुखार हो जाएगा, आपको मालूम है कि आपको बुखार होगा। वैसे ही मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं कि एक बार अपने दिमाग का चेकअप कराएं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता, लूट और गुंडागर्दी, 400 पार नहीं 40 पार भी नहीं जाने वाली है, इस बात को याद रखिए। वो अपने मन से छाती पीटे, करने दीजिए, घुसपैठियों को एक भी नहीं रहने देंगे, सारे घुसपैठियों को बाहर कर देंगे मोदी जी। कुल घुसपैठियों को तो बुलाए CNRC में, अब वहीं तक बुला भी नहीं पाए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा शहर, पूरा देश डिस्टर्ब था सन 2019 में, कमाई ख़त्म हुई। उसके बाद आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नरेंद्र मोदी जी से ये कहिए कि जो ये गुजराती घुसपैठी है अन्य हमारे प्रदेशों में घुस करके हमारी हिस्सेदारी खा रहे हैं, हम पहले उन गुजराती घुसपैठियों को भगाएंगे। हमारे बनारस में जितने बड़े काम हैं, आपके जौनपुर में जितने बड़े काम हैं, पता कर लीजिएगा, गुजराती टेंडरर होगा। उसको जौनपुर का कोई टेंडरर नहीं, उसमें बनारस का कोई टेंडरर नहीं, गुजराती लाबी लूट के आधार पर आकर के हमारे और आपके शहर पर जो कब्जा किया है, उस घुसपैठियों को भगाने के लिए हम लोग एकजुट हैं। नरेंद्र मोदी को चिल्लाने दीजिए, हम नरेंद्र मोदी ऐसे ही चिल्लाएंगे छच्छो काल छाती पीट पीट के, उनका आप कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलने दीजिए, उनको कोई नोटिस अब नहीं कर रहा। आप इंडिया अलायंस का प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो जनता का क्या मूड है? जनता एकदम पूरा एकदम क्रांतिकारी मूड है। सबसे ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा बगावत तो जनता के बीच में है। आप जाइए, आप यहाँ खड़े हैं, बनारस हैं, बनारस के बगल में चंदौली है, बनारस के बगल में भदोही है, जौनपुर से आप खुदा हैं। अब आप तो नहीं बताएंगे कि श्री कला सिंह जी की क्या स्थिति है, लेकिन अंतरात्मा आपका भी यही कह रहा होगा कि नंबर एक हैं। तो आप गाजीपुर चले जाइए, आप बलिया जाइए, आप घोसी जाइए, आप लालगंज जाइए, आप आजमगढ़ जाइए, हम जितना सिटियाँ गिना रहे हैं, आप उसमें एनालिसिस करिए, रिपोर्ट निकालिए, देखिए एक भी भाजपा नहीं। दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहा था कि धर्मेंद्र यादव फिर से हारेंगे, और उनका दिनेश लाल यादव निरहुआ के एक बयान बड़ा चर्चा में रहा है, कह रहे थे कि जो ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी। इवन योगी मोदी इसीलिए शादी नहीं किए क्योंकि बेरोजगारी न बढ़ जाए देश में। तो मोदी जी कितने भाई बहन मालूम नहीं बताओ, चैनल का बंद होने का डर है ना, 7 भाई बहन। अच्छा छोड़ो, बताओ निरहुआ का भाई बहन है का भाई बहन, और निरहुआ को नोटिस वोटिस मत लिया करो, सब नचनिया गवैया है, राण भाड़ भाट आई नचनिया गवैया से तुम जो है देश के सदन को चलवाने की कोशिश कर रहे हो। और आजमगढ़ की जनता एक बार संसद में भेज दी, अरे भेज दी इसलिए भेज दी कि वो भी यदुवंशियों का कुल था, उसको क्या मालूम था लोगों को कि ये यदुवंशी खानदान पर कलंक का काम करेगा। अरे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को कलंकित कर रहा है वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को एक नया मुकाम दिया, एक नई जिंदगी दिया, एक नया समाज का पथ दिया। आज हम लोग भी सवर्ण होकर के भी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ बोलने में आत्मा कांप जाती है, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलने में आत्मा कांपती है, अखिलेश यादव के खिलाफ, वो अपनी रोटी कमाने के लिए, उसी का बड़ा भाई तो हैं विजय लाल यादव, क्या बोल रहे हैं, जिसका समर्थन, जिसको समर्थन उसका भाइय नहीं कर रहा है, उसको आप आजमगढ़ का जनता का नेता बना रहे हैं। दूसरी बात, आम्रपाली का आपने जिक्र किया, अभी उसी का एक वीडियो जारी हुआ था, वो अंधराचार्य के पास, वो कौन क्या नाम हुआ है उसमें, राम भद्राचार्य, तुम ही उसी में के लग रहे हो, क्या बोल रहा था वो, क्या बोल रहा था वो अंधराचार्य, वो राम भद्राचार्य, उसको हम अंधराचार्य कहते हैं, आना रहे, देखो हम मनीष का पद्म विभूषण है सर। अरे छोड़ो यार, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, दिल के कलुषित रहोगे, कितनों बड़ा ताज पहने रहोगे, मेरे निगाह में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, देश को बांटोगे, नफरत फैलाओगे, कितनों बड़े आदमी रहोगे, हमारे जूते के नोक के बराबर रहोगे, मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा था वो अंधराचार्य, उसी को निरहुआ को और आम्रपाली को, करे तुम लोग तो भाई बहन थारे, यही ना बोल रहा था। और उस पवित्र रिश्ते को भी अगर किसी ने कलंकित करने का काम किया है तो भाजपाइयों ने किया,
अब वो निरहुआ ने किया। हमारा तुम्हारा रिश्ता भाई भाई का हो गया तो हम भाई की तरह रहेंगे, हमारा किसी लड़की के साथ बहन का रिश्ता हो गया तो हम बहन की तरह उसको रखेंगे, जाएंगे ब्याह करने लगेंगे, ब्याह तो होगा। कलाकार है सर, मैंने भाई बहन, मैंने कलाकारों में भाई बहन के रिश्ता का कोई महत्व नहीं। मनोज तिवारी को तुम भगवान मानोगे, रिमोट उठाओ लंगा से बेबी बियर पी करके, ऐसे ऐसे सांसद तुम्हारे होने जा रहे हैं। रवि किशन, उसकी बेटी अब ही नई अवैध बेटी, उसको जितने ही कुकर्म होते हैं, जितने ही गंदगी होती है, जितने समाज का कलंक होता है, कुल भाजपा के सांसद और विधायकों के पास ही क्यों होता है, इसका जवाब दे सकते हो उनको? नहीं दे सकते। लेकिन मोदी जी जेल तो भ्रष्टाचारियों को भेज रहे हैं सर। मोदी जी जेल तो भ्रष्टाचारियों को भेज रहे हैं, कदो और भेजें, वही हम लोग चाह रहे हैं, सबको भेजें, हमको भी भेजें और तुमको भी जेल जाना चाहिए। तुम भी बहुत उछल उछल के पत्रकारिता करते हो। मोदी जी का दिन बहुत खराब आने वाला है, बहुत बुरा दिन आने वाला है, छच्चों काल रोएंगे, बड़ी पछताएंगे मोदी जी अपने कुकर्म पर। अभी भाजपा अभी देखते जाइए आगे क्या होगा। फिलहाल श्रीकला धनंजय सिंह जी को आप लोग अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बहन मान करके जिताइए और जौनपुर को नया सम्मान दीजिए, जौनपुर को नया